हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के बाद में रोज एक नई वीडियो मिलेगी आपको, वो भी कनाडा सीखो हिंदी में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी बहुत कनाडा सीख ली है। अच्छा, तो पांच वर्ड हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और मेरे वर्ड में कोई गलती होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बतला दें, और कितनी सीखी है मैं आप लोगों को वो बताऊंगा वीडियो के जरिए से। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सपोर्ट करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के पांच वर्ड। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे अपने बालों से, तो इन बालों को मतलब क्या बोलते हैं कनाडा में? तो दोस्तों, हेयर को या बालों को बोलते हैं कुल्द। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हो गया? बाल, बालों को बोलते हैं कुल्द। कनाडा में कुल्द बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बाल, इंग्लिश में हेयर। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर भौहें, भौहें को बोलते हैं ओबू। ओबू मतलब भौहें, मतलब हिंदी में बोलते हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर है आँखें, आँखों को बोलते हैं कनाडा में कन्ने। कन्ने का मतलब होता है आँखें। तो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पर है नाक, तो नाक को बोलते हैं कनाडा में मोगू। फ्रेंड्स, मोगू बोलते हैं नाक को। और पांचवें नंबर पर दोस्तों, पांच नंबर के बोलते हैं कान, कान को बोलते हैं कीवी। कीवी का मतलब होता है कान। तो दोस्तों, पांच वर्ड यही है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना बालों को कुल्द बोलते हैं, और भौहों को ओबू बोलते हैं, ना और आँखों को कन्ने बोलते हैं, और नाक को मूगू बोलते हैं, और कान को बोलते हैं कीवी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बतलाना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।